बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, और ये है हमारा पार्ट 4। और टॉपिक है स्पेसिफिकली हमारा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके लिए टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप्स का अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा बेसिक है। और आइए हम इनको देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम। कहता है जी कि टू इवेंट्स, एक E1 जो कि डिफाइन किया गया है इन सैम्पल स्पेस S1, और एक इवेंट 2 है जिसको डिफाइन किया गया है इन सैम्पल स्पेस S2, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस आर नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस आर नॉन अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। डेफिनेशन दो समय लग गई होगी कि एक की अकरेंस और नॉन अकरेंस या नॉन अकरेंस दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस को इम्पैक्ट अगर नहीं कर रही है तो वो इवेंट दोनों आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन रखते हैं। उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट है। अब उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो देखिए इसमें मकसद क्या है कि वो इम्पैक्ट करते हैं नहीं इम्पैक्ट करते, इसका क्या मीनिंग है, इसको अंडरस्टैंड करना। दूसरी बात आप यहाँ नोट कर लें कि ये दो सैम्पल स्पेस हैं, एक S1 और एक S2, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक सैम्पल स्पेस होता था सिंपल। इसके अंदर आपके पास दो सैम्पल स्पेस, एक S1 और एक S2, दो सैम्पल, और एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो आप देखिए ज़रा इसके नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कहता है कि द इवेंट E1 हेड विल टर्न अप ऑन आ कोइन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक कोइन है और उसकी पहली अटेम्प्ट पे हम कहते हैं जी हेड आएगा, एंड इवेंट 2 हम कहते हैं टेल वुड अपियर ऑन सेम कोइन इन सेकेंड अटेम्प्ट आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी हम पहले कहते हैं जी इसका हेड आ जाएगा जी पहली अटेम्प्ट में, या हम कहते हैं दूसरी जब अटेम्प्ट की जाएगी तो उसके ऊपर टेल आ जाएगा। तो ये दो इवेंट सेपरेट हैं क्योंकि दोनों का सैम्पल स्पेस अलग अलग है, क्योंकि दो अटेम्प्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा फिर कि पहले का एक इवेंट है E1 और दूसरा इवेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ अभी भी शायद थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि क्या मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट होंगे। मैं आपको बात समझा देता हूँ कि जब हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट इवेंट, उसका मीनिंग असल में ये है कि उसके अगर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स अगर एस के चेंज ना हो, अगर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, दोबारा सुन लीजिए गौर से, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स अगर एस के चेंज ना हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट है। और अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स S1 के और हैं S2 के और हैं चेंज हो गए तो फिर वो इवेंट कौन से हैं, डिपेंडेंट इवेंट है। फिर पहला इवेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है अगर उनके सैंपल पॉइंट्स चेंज हो जाए, यूजुअली कम हो जाते हैं। अब इसको हम विद प्रूफ आगे हम इसको देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट के साथ। कहता था इवेंट E1, जैसे कि वो कहता है जी किंग वुड अपीयर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और इवेंट 2 कहता है क्वीन वुड अपीयर इन द सेकंड अटेम्प्ट। तो कहता है व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड इन द पैक बिफोर द सेकंड ड्रॉ, दिस केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज अ विद रिप्लेसमेंट केस। ये विद रिप्लेसमेंट केस होता है, ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट ही होता है। इसमें कोई रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं था, नॉर्मली आपके पास था कि हेड, इसमें अटेम्प्ट दो थी और जो नीचे वाला है इसके अंदर आपने कार्ड ले लिया, तो एक आपने पिक किया उसको वापस आपने रख दिया। अब आप देखें किंग आपके पास है, उसको वो चार होते हैं, क्वीन कितनी होती है, वो चार होती हैं, लेकिन अब इसका मतलब 4/52 एक की और 4/52 है दूसरे की। तो अब 52 टोटल आपके पास होते हैं कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब आप देखें तो पहले में भी 52, दूसरे में भी 52, चेंज नहीं हुए। जब चेंज नहीं हुए तो ये इवेंट्स कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और जहां इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना दो आपस में, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, ये नीचे बता रहा है एग्जांपल के साथ। अब नोट देखिए, कहता है एन इवेंट के नॉट बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। क्या हम ये नहीं हो सकता कि एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इट मीन्स दैट सम इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इट के नॉट बी इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। या तो वो इंडिपेंडेंट होगा या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। एन इवेंट कैन आइदर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर एन इंडिपेंडेंट इवेंट। एक ही बात लिखी हुई है लेकिन तीन डिफरेंट एंगल से उसको बात को बयान किया गया है। तो यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट एक वक्त में नहीं हो सकते। अब डिपेंडेंट को देखिए, टू इवेंट्स E1 डिफाइंड इन सैम्पल स्पेस S1 और इवेंट 2 है डिफाइंड इन अदर डिपेंडेंट सैम्पल स्पेस S2, ये डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, आर डिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस आर नॉन अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट्स द अकरेंस आर नॉन अकरेंस ऑफ
अदर, एक की अग्रेस्ट या नॉन अग्रेस्ट दूसरे को इफेक्ट कर रही है। अब इस असल में ये कंफ्यूज करता है और इसी को हमें समझना है, आइए समझते हैं। कहता है इवेंट E1 है, कहता है एस वुड अपियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक आपने जो है वो एस जो है वो पहली अटेम्प्ट में आएगा, और वो एस क्या होता है यानी इक्का जिसे हम कहते हैं, और जैक वुड अपियर इन द सेकेंड अटेम्प्ट यानी ताश है उसमें से हमने एक ड्रॉ किया और हम कहते हैं जी पहले बार क्या आएगा इक्का आएगा, और दूसरी हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे तो वो जैक आ जाएगा। तो कहते हैं व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन नॉट रिप्लेसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, असल में यही इसको डिपेंडेंट बना देता है। कार्ड हमने पहला ड्रॉ किया और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब इसमें देखें इक्के कितने होते हैं, चार होते हैं, कितनों में से 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4/52। जबकि वो कहता है फर्स्ट ड्रॉ आपने किया और उसको फिर आपने रिप्लेस नहीं किया। अब जो जैक हैं वो भी चार होते हैं, लेकिन अब अगर हमें उन्हें निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो पत्ते पीछे अब 51 पड़े हुए हैं, 52 नहीं पड़े, क्योंकि इक्का आपने निकाल लिया और उसको आपने वापस रखा नहीं है। इसका मतलब नीचे देखें सैंपल पॉइंट चेंज हो गया, पहले 52 थे अब कितने हो गए 51। इसका मतलब ये इवेंट देखते ही पता चल जाने थी कौन से इवेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। समझ लगी होगी आपको यहाँ पर। तो कहते हैं बिफोर द सेकेंड ड्रॉ दिस प्रोबेबिलिटी इज नोन एज अ विदाउट रिप्लेसमेंट केस, इसे हम कहते हैं विदाउट रिप्लेस, और विदाउट रिप्लेसमेंट जितने भी होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज नोन एज अ कंडीशनल, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन सम अदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर, एक पहले हो चुका होता है। ये कंडीशन असल में ये दोनों टॉपिक ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं कि एक हो चुका होता है और एक ने अभी उसमें बाद में होना होता है, लेकिन जो एक हो चुका है अगर वो दूसरे वाले को इम्पैक्ट करे तो फिर तो डिपेंडेंट है, और अगर इम्पैक्ट न करे तो इनडिपेंडेंट है, सिंपल इज दैट। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किस तरीके से लिखी जाती है इनकी, डिपेंडेंट इवेंट की इस तरीके से लिखी जाती है कि प्रोबेबिलिटी सच एज पी इंटू ए बाय बी, इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी, या इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन ए आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। यानी अगर जब वो ए बाय बी, बी बाय ए, इवेंट वन बाय इवेंट टू, इवेंट टू बाय इवेंट थ्री, इवेंट फोर बाय इवेंट फाइव ऐसे करके लिखे तो ये जब बटे में इस तरह करके प्रोबेबिलिटी आ रही होंगी तो वो वाली कौन सी कहलाएंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कहता है प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इज रेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, इसको कैसे पढ़ा जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है व्हेन बी इज गिवन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसमें हम फाइंड किसी कर रहे हैं, ए की फाइंड कर रहे हैं, जबकि गिवन किसकी है, बी की गिवन है, और ये कंडीशन होती है इसके अंदर बी चूंकि गिवन होती है कि ए बी पहले ही हो चुका होता है तो उसकी बेस पर फिर आपने आगे देखना होता है। असल में ये सैंपल स्पेस बनता है इसका, और सैंपल स्पेस जब आपकी डिपेंडेंट इवेंट होते हैं या आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बेस पर चल रही होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपका जो सैंपल स्पेस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो शॉर्ट हो जाता है, यानी पहले बड़ा होता है और फिर वो उसके अंदर लिमिट, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है जो इवेंट पहले हो चुका है, फिर आपने ये नहीं देखना होगा टोटल कितने हैं, फिर उसमें से जो हो चुका है फिर आपका फोकस उस पर बन जाता है कि ये हो चुका है तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या सिचुएशन बन सकती है। देखिए जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालते कैसे हैं, इज इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या बराबर होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी। ये हम क्वेश्चंस में हम करेंगे सारे इसको, लेकिन यहाँ ये फार्मूलाज आपने, और इस तरीके से बी की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करनी है, ए गिवन है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से इसके नंबर सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसके अंदर जहां पे आपके पास ये आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड जहां पे भी आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दस द इंटरसेक्शन मीन्स एंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो ये था सारा डिटेल, अगर आप इसको नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर देखें और इस कंटेंट को रोक के पॉज करके दोबारा इसको समझें, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर आप उनको देखिए तो सारा क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर कंफ्यूजन इंशाल्लाह कहीं पे भी नहीं रहेगी। जहाँ फोकस करना है बस थोड़ा सा फोकस करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ले जी ये थी आज की वीडियो, अगर आपको लगी अच्छी तो उसको आप करें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।